अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ स्टॉकहोम का बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्लावर्स वहाँ लगे हुए थे, यहाँ स्टॉकहोम सौदर मामे के एरिया है वहाँ पे, और ये वहाँ का व्यू भी है। ये देखें इतना ज़बरदस्त व्यू था। वो नीचे लोगों ने अपनी नर्सरीज बनाई हुई हैं वहाँ पर, वो अपनी वेजिटेबल्स ऐसे वो बनाते हैं, ग्रो करते हैं उनको। तो ये देखें यहाँ पे ये नीचे कैफे सा है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त व्यू था। और अब मैं आप लोगों को इतने प्यारे फ्लावर्स दिखाती हूँ, ट्यूलिप्स। और ये एक स्टॉकहोम सौदर माम में यहाँ पे एक एरिया है वहाँ पे ये लगे हुए थे, वहाँ पे मैं गई थी किसी काम से, तो ये वहाँ पे थे। इतने प्यारे थे, हर कोई यहाँ पे रुक के ना इनकी पिक्चर्स ले रहा था, बहुत ही ये ज़बरदस्त लग रहे थे। देखें कितने प्यारे हैं, इतने कलरफुल से। ये वाले जो हैं ये वाइट, पिंक और रेड हैं, दूसरी साइड पे ऑरेंज और दूसरे कलर्स के लगे हुए थे। वो देखें उस साइड पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग ये इंजॉय करें मेरे साथ। इतना प्यारा लगता है, स्वीडन जो है ना ये समर में बहुत प्यारा हो जाता है, बहुत 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 प्यारा। दिन भी इतने लंबे हो जाते हैं, जैसे 11 बजे तक यहाँ दिन रहता है, और काफ़ी लंबे दिन हो जाते हैं। और बच्चे तो सोते नहीं हैं कि मम्मा अभी तो इतने शान है तो हम क्यों अभी सोएं तो उन्हें बताना पड़ता है कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। और समर यहाँ के बहुत डार्क होते हैं, जैसे काफ़ी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है समर, सॉरी विंटर, यहाँ के काफ़ी डार्क होते हैं तो इसलिए लोगों को काफ़ी डिप्रेशन हो जाता है। और ये देखें ये दूसरे कलर वाले फ्लावर हैं, और अल्लाह ताला की कुदरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितना प्यारा, ये समर में इतनी प्यारे फ्लावर सब कुछ आपको नज़र आता है, ग्रीनरी हर तरफ। और स्वीडन में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे तो काफ़ी पहले आते होते थे वो टूरिस्ट आते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से जो कम आते हैं तो काफ़ी लोग यहाँ पे, मैं गई थी तो यहाँ पे रुक रुक के पिक्चर्स ले रहे थे इन फ्लावर्स की। जो भी यहाँ से गुजर रहा था ना वो इसकी पिक्चर लिए बगैर नहीं यहाँ से गुजर रहा था, इतने ये प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं वापस घर आ रही थी, तो अब मैं आप लोगों को बच्चे दिखाती हूँ। वो अपने बबल से खेल रहे थे, बबल मशीन मैंने ला कर दी थी राफे को, तो वो उसको कह रहा था बबल पार्टी कर रहे हैं ये लोग। ये देखें ये वाली बबल मशीन मैं लेके आई थी इनके लिए, तो काफ़ी अच्छी ये बबल मशीन थी, इतने ज़बरदस्त बबल बन रहे थे। और हमारे बैकयार्ड में भी फ्लावर्स अब आ गए हैं काफ़ी। आज का वेदर तो स्टॉकहोम में रेनी है, आज भी सारा दिन रेन है, कल भी सारा दिन रेन है, आगे वीकेंड पे कह रहे हैं कि अच्छा वेदर होगा। तो ये देखें ये फ्लावर्स हैं इतने प्यारे, ये अब सारे आ गए हैं, मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। बच्चे यहाँ पे अपनी बबल पार्टी कर रहे हैं बैकयार्ड में, मौसम अच्छा होता है तो एंजॉय करते हैं। और ये टोमेटो ट्री इनके डैडी ने इन्हें ला के दिया था, वानिया को शौक था, इसे काफ़ी शौक है प्लांट का, प्लांटिंग करने का, क्योंकि इस इनके स्कूल में भी इनको बताते हैं ना, वहाँ पे भी सब बच्चों ने एक एक जो अपना प्लांट किया होता है टोमेटो या इस तरह कोई वेजिटेबल, वो करवाते हैं बच्चों से। और ये वानिया ना अभी राफे के साथ खेल रही हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसे बबल पार्टी कर रहे हैं। बबल पार्टी, चलो ना आपा को भी बना दो ना, इस तरह का और भी तो था वा नहीं। खाना नहीं बबल वाटर वानी, ये देखो कितनी ज्यादा आ रही है इसमें से। राफी चलो बबल ले लो। गाइस ओह
बबल पार्टी करने के बाद फिर हमने बनाई थी ब्राउनी, और ये ब्राउनी की रेसिपी इतनी यम्मी है ना, बहुत ही मज़े की ये ब्राउनी बनी थी और सब ने इतने शौक से खाई थी। ये मैंने ब्राउनी बना ली है, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, फिर मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्राउनी बनती है और इतनी जूसी, ऊपर मैं इसके न्यूटेला की फ्रॉस्टिंग बना के डाल रही थी। ये देखें न्यूटेला दूध में, उसको मेल्ट करके ना थोड़ा सा गाढ़ा कर लें और गर्म गर्म ही आप इस पर डाल दें तो ये खुद ही ठंडी होकर इसके ऊपर इतनी अच्छी सेट हो जाएगी। और बच्चों से तो सब्र ही नहीं हो रहा था, वो कह रहे थे हमें मम्मा जल्दी से दे दो चॉकलेट केक, तो बच्चों का फेवरेट होता है, तो इन्होंने खूब इंजॉय किया था। और मुझे भी चॉकलेट है बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने भी खाई थी, बहुत अच्छी आइसक्रीम के साथ वानिया ने खाई थी, ज़बरदस्त टेस्ट था, बेस्ट ब्राउनी थी ये वाली, बहुत ही मज़े की, और हमने खूब इंजॉय की। देखें इसकी शक्ल कितने मज़े की, और अब मैं बच्चों को डाल के देती हूँ और आप उन लोगों के एक्सप्रेशंस चेक करें, बातें सुनें उनकी। ये देखें अब हमारी यम्मी सी ब्राउनी रेडी है और ये हमने न्यूटेला फ्रॉस्टिंग बनाई है, अब मैं बेबीज को देती हूँ। ये देखें आप ले लो ये नहीं ओके अब ये नाया को देते हैं। ये देखें हाउ यम्मी एंड फजी, आप लोग भी खा लें। ये नाया वानिया ने ऊपर आइसक्रीम डाल दी है, नहीं इधर करो इधर लेके आओ विद हॉट ब्राउनी एंड आइसक्रीम वानिया खाने लगी। वानी खा के दिखाओ कैसे okay, ना, इसके साथ खा लो इसके साथ okay. इधर रखो इधर रखो खा के दिखाएगी वानिया आपको really सुपर यम्मी। दिखाओ मम्मा भी वन बाइट खाएं। ये देखें ये लुक सो यम्मी इधर आई लव द आइसक्रीम इट्स माय फेवरेट माशाल्लाह यम्मी बनी है। I can guys here. इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताएं, हम फिर आपके साथ शेयर करेंगे। Yes. Bye bye. ये आप लोगों ने वानिया की बातें सुनी, उसे तो कोई भी चीज़ मैं बना दूँ तो मम्मा यू आर द बेस्ट शेफ, बेस्ट शेफ बच्चों को यही लगता है क्योंकि उनको चीज़ें जो अच्छी लगती हैं तो फिर एक्सप्रेस करते हैं वो, ये बात बच्चों की बहुत अच्छी लगती है। और वानिया आपको बहुत शौक है ऐसी चीज़ें खाने का, तो वो जो भी मैं उसकी फेवरेट थिंग राइस बनाऊँ तो वो भी कहती है मम्मा आपके बेस्ट राइस रहे इन द होल वर्ल्ड और आपको किसी रेस्टोरेंट में कोई शेफ होना चाहिए तो ऐसी क्यूट क्यूट सी बातें होती हैं बच्चों की। तो ये मेरा आज का व्लॉग था जिसमें मैंने आपको इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह फ्लावर्स दिखाए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और ये देखें हमारे बैकयार्ड के फ्लावर्स आ गए हैं कितने प्यारे, तो बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।